Hello and welcome guys to Upanishad IAS and आज we are going to start 24 जुलाई की जो करंट अफेयर्स है द हिंदू की उसके साथ शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई न्यूज है तो ये है कि हमारी जो टीम है गाइज वो पहुंच चुकी है टोक्यो में और टोक्यो के अगर एग्जाम के नजरिए से एक पॉइंट देखिए तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ्लैग बेयरर्स कौन थे फ्लैग बेयरर्स जिन्होंने झंडा जो है वो इंडिया का उठाया हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स से जुड़ी हुई एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये नाम अभी भी टोक्यो 2020 क्यों है, कभी आप लोगों ने ये सोचा या नहीं सोचा कि टोक्यो 2020 क्यों, अब तो 2021 चल रहा है तो 2021 कर देना चाहिए था। तो गाइज याद रखिएगा जो स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ डील वगैरह होते हैं जो कि ऑलरेडी टोक्यो 2020 के नाम से बन चुके थे इसीलिए ये नाम अभी भी रखा गया है। दो लोग जो हैं जो इन्होंने भारत का फ्लैग बेयरिंग किया है वो सामने में आपको दिखाई दे रहे हैं और इन सारी चीजों के साथ में नजर जरूर बना के रखिएगा। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया और गोल्ड नहीं सिल्वर नहीं ब्रोंज नहीं, मैं इन सारी चीजों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूं लेकिन हमारे जितने भी खिलाड़ी गए हैं वो अपना बेस्ट देकर जरूर आए सर्वश्रेष्ठ देकर जरूर आए क्योंकि हमारे देश में क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है यह हम सब अवगत हैं इन सारी चीजों से। तो इसी के साथ सब अपना बेस्ट दें ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आज का पहला न्यूज जो है उसे देखने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है एक प्ली जो कि चैलेंज कर रहा था एनजीटी का बैन जो कि पटाखों के ऊपर लगाया था। तो पटाखों के ऊपर में एनजीटी माने गाइस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन लगा दिया था पटाखों के ऊपर में। और ये जो पटाखों के ऊपर में बैन लगाया था इसको लेकर ये जो लोग थे ये चले गए कहां पे, ये चले गए कोर्ट के पास में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये बोलते हुए कि कहीं ना कहीं ये हमारा राइट टू बिजनेस जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, हमारा जो राइट टू बिजनेस है, राइट टू बिजनेस को ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू बिजनेस एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, राइट टू व्यापार मतलब अधिकार करने का, व्यापार करने का जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है और अगर आप वायलेट कर रहे हैं एयर क्वालिटी को और नॉइज लेवल नॉर्म्स को तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो अधिकार जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारा जो मुद्दा है गाइज वो रिलेटेड है कि क्या दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया में पटाखों की बिक्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एनजीटी ने मना कर दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर के समय रात 11:55 से लेकर 12:30 तक का जो समय दिया गया है वहीं आप पटाखों की बिक्री या पटाखों का उपयोग किया जा सकता है और सिर्फ ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे एयर क्वालिटी जो है वो मॉडरेट हो या फिर बिलो कैटेगरी हो, एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए। साथ में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है, इसके ऊपर में जरूर ध्यान लगा के रखिएगा और वो क्या है, वो है अबाउट द राइट टू लाइफ, ठीक है। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 क्या कहता है, राइट टू रिलीजन की बातें करता है, आपको आपके धर्म के लिए अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो है, जो राइट टू लाइफ है उसके अंतर्गत ये आता है। अगर एक पार्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस जो है, अगर किसी धर्म से रिलेटेड कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि लोगों को हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न करता है तो उसे आप आर्टिकल 25 के अंतर्गत नहीं मान सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 25 में हमारा अधिकार है कि हमें अपने रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह करने हैं तो हमको उसके लिए सेलिब्रेशन करना है तो उसके लिए हमको पटाखे फोड़ने हैं, तो ये आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा अधिकार क्या है, सबसे बड़ा अधिकार जो है वो है आर्टिकल 21 का जो कि है राइट टू लाइफ का। और इसके साथ साथ में एक और राइट याद रखिएगा, राइट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर अंडर आर्टिकल 19(1)(g) जो है
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसके ऊपर में ध्यान जरूर बना के रखिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनजीटी के बारे में गाइस आप लोगों को कुछ फैक्ट्स जरूर पता होने चाहिए, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 में, 18/10/2010, ठीक है। तो 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। और ये क्यों हुआ था एस्टैब्लिश, फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल, ठीक है, मतलब ये जो केसेस हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड, या फिर बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें अगर कोई लीगल राइट की बातें हो रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या फिर किसी को रिलीफ देने की बात हो, किसी को कंपनसेशन देने की बात हो रही है जिसका डैमेज वगैरह हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे उससे रिलेटेड जो मैटर, इन सारी चीजों के लिए इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिब्यूनल जो है वो डेडिकेटेड है कि स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस मिले। हम लोग सब जानते हैं कि जब कोर्ट में कोई मामला चला जाता है तो कितने दिन चलता है, तो यहाँ पे इनको मेक श्योर कर रहे हैं कि चीजें जो है स्पीड प्रोसेस में आए, और साथ साथ में जो बर्डन है लिटिगेशन का हायर कोर्ट्स के ऊपर में, उसको भी कम किया जा सके। ये आप लोगों को जानना जरूर चाहिए कि 6 महीने का समय ये लोग अपने पास में रखते हैं जब से केस वगैरह फाइल होता है और उसके डिस्पोजल को लेकर। तो विद इन 6 मंथ इनको अपना जो भी है जजमेंट देना रहता है। इनिशियली एनजीटी को 5 जगह पे स्थापित करने की बात थी, अभी न्यू दिल्ली जो है वहां पे इसका प्रिंसिपल प्लेस है, और इसके साथ में ट्रिब्यूनल भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, और साथ में चेन्नई में स्थापित है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके साथ में एक डाटा देख लेते हैं गाइस, कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19 जो है उससे रिलेटेड हमारे जो नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर वी के पॉल, डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि हमें कहीं ना कहीं वॉचफुल होने की जरूरत है। ये जो फिर से हम एक बार छूट दे रहे हैं, ठीक है, ये फिर से एक बार जो अनलॉकिंग की व्यवस्था चालू की जा रही है, इन सारी चीजों के ऊपर में कहीं ना कहीं ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो कुछ आंकड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन बाई एज अगर आप देखो तो 1844 की जो एज है उसमें यू हैव लगभग लगभग 46 लाख पीपल जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे कि वैक्सीनेटेड हो गए हैं। 45 से 60 अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 30 लाख लोग हैं, और अबव 60 जो है वो 18 लाख का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों के बीच में गाइज एक और चीज आप सब लोगों को समझने की जरूरत है कि बहुत सारी जगह जहां पे फर्स्ट डोज मिल गया वहां पे सेकेंड डोज की कमी है। कैटेगरी अगर आप देखोगे तो मेल्स जो है वो 55 लाख के आसपास दिखाई दे रहे, फीमेल जो है वो 40 लाख के आसपास में है, और डोज 1 की संख्या जितनी है उसके अंतर्गत अगर आप डोज 2 देखोगे तो वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कई कई जगह तो अभी वेट लिस्ट जारी है, तो इस चीजों पे नजर जरूर बना के रखेंगे। गंगा का मैसेज क्या है, गांधी जी को यहाँ पे कोट किया गया है, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा करना चाहूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग की लाइन में ये कह रहे हैं कि गंगा माइट हैव स्टूड विटनेस टू मेनी स्टेजेस ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की जो सभ्यता है जो इतने सैकड़ों हजारों सालों से चली आ रही है उसकी गवाही कौन दे रहा है, उसकी गवाही गंगा दे रही है, और उसी गंगा को आज हम दूषित कर रहे हैं, उसी गंगा में आज जो मॉडर्न डे कचड़े हैं वो दाखिल डाले जा रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स मिल रहा है। इसके साथ साथ में बनारस और कानपुर और साथ में हरिद्वार, जो 3 जगह आप मानते हो कि पूजा पाठ धर्म हिंदू धर्म के अनुसार गंगा की जो आप एक डिस्टिंक्शन की बात करते हैं वो इन 3 जगहों से मिलती है, और इन 3 जगहों में ही सबसे ज्यादा गैंजेस जो है वो पोल्यूटेड दिखाई दे रहा है। ये जो डाटा जो है ये एक अलार्मिंग प्रेजेंस दिखाता है कि प्लास्टिक फिलामेंट मिल रहे हैं, फाइबर के फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, माइक्रो बीड्स वगैरह मिल रही है, ये सारी चीजें जो है ये बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालती हैं गंगा के पानी में। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट अगर आप लोगों को याद हो तो गुरुदास अग्रवाल जो 2018 में गंगा के लिए फास्टिंग करते हुए उनकी मृत्यु भी हो गई थी, और उसके बाद भी
सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें गाइस, तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक की हम बातें कर रहे हैं, ये जो माइक्रो बीड्स की बातें कर रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट में मिल रहे हैं, आर्कटिक स्नो में मिल रहे हैं, ठीक है, आइसलैंड के ग्लेशियर्स में, फ्रेंच पायनियर्स में, सारी जगह पे, मरियाना ट्रेंच तक में, ठीक है, जो डीपेस्ट ट्रेंच है माना जाता है, वहां पे भी आपको ये प्लास्टिक पहुंच गए हैं गाइस। और ये सारी चीजें क्या साबित करती हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये साबित कर रही हैं कि पॉल्यूशन जो है उसके कारण से हम अपनी धार्मिक आस्था को भी नहीं बचा पा रहे हैं और क्लाइमेट को तो खैर बचा ही नहीं पा रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच में ये भी याद रखिएगा कि माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं आईएएस के एग्जाम में, और ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स एक्चुअल में होते क्या है? माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो स्मॉल प्लास्टिक पीसेस होते हैं, 5 मिलीमीटर जो होते हैं आसपास में उनकी लंबाई होती है, ये हार्मफुल होते हैं ओशन और एक्वाटिक लाइफ के लिए। माइक्रोबीट जो होते हैं टाइनी पीसेस होते हैं, पॉली थिलीन प्लास्टिक जो होती है उससे ये रिलेटेड होता है। इसको किस में यूज किया जाता है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका जो टूथपेस्ट होता है उसमें कुछ ऐसा व्हाइट व्हाइट या रेड या ब्लू ग्रीन कलर का आपको सब्सटेंस दिखाई देगा जिसे बोला जाता है कि क्लींजर के रूप में काम करता है, ठीक है। या फिर फेस वॉश वगैरह जब आप यूज करते होंगे तो उसमें भी आपने अनुभव किया होगा कि बहुत छोटे छोटे दाने हैं जो फेस वॉश वगैरह में, स्क्रबर्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। तो ये वही माइक्रो प्लास्टिक्स हैं जो गटर के माध्यम से बह के फिर नदियों तालाबों से होते हुए समुद्रों में पहुंचते हैं और ये पॉल्यूशन को और ज्यादा फैला रहे हैं। रेनफॉल ना हो तो दिक्कत है, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये आजकल आ गई है कि साउदर्न पेनिनसुला में हम लोगों को दिख रहा है कि 29% ज्यादा रेनफॉल हुआ है। अगर आप नॉर्मल रेनफॉल की बातें करें तो ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी ग्रीन वाले एरिया हैं यहाँ पे नॉर्मल रेनफॉल हुई है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेस की बात करें तो आपको एक्सेस और वेरी एक्सेस भी दिखाई देगा। महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई है, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि आईएमडी ने अपना ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था जहां पे महाराष्ट्र के लिए, उस खास करके विदर्भ वाले एरिया के लिए, और वहां पे बाढ़ देख रहे हैं हम। अगर आप देखो कुछ एरिया जो तमिलनाडु की है और कुछ एरिया और जो आपको दिखाई दे रही है वहां पे आपको दिखाई देगा तेलंगाना वगैरह में कि बहुत ज्यादा लार्ज एक्सेस में बारिश हुई है, ठीक है। तो और कहीं कहीं आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि रेन जो है वो थोड़ा सा डेफिशिएंट भी है, जैसे मणिपुर आप देख लो, आप अरुणाचल प्रदेश देख लो, ठीक है, आप गुजरात का एरिया जब देखते हैं तो आपको वही दिखाई देता है, ठीक है, आपको केरला में दिखाई देता है कि जो डेफिशिएंसी है वो दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं ये जो अनइवेननेस है, ये कहीं ना कहीं जो चीजें जो अनइवेन है ये क्यों है, इसके पीछे में ऐसा माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि साइक्लोन्स जो कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में साइक्लोन्स जो हैं, जो कि खास करके अरबियन सी में ये इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। अगर आप पास्ट 2 डिकेड्स की बातें करते हो तो पास्ट 2 डिकेड्स में मतलब लगभग लगभग 20 सालों में 52% इंक्रीज आ गया है फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, कहाँ पे? अरबियन सी में, ठीक है, अरबियन सी की अगर बात करते हैं। और वही बे ऑफ बंगाल में 8% डिक्रीज भी आया है, ठीक है। इन सारी चीजों के साथ में क्या होता है गाइस, देखिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बे ऑफ बंगाल में ये चीजें जो हैं वो पहले से जो हैं वो कमतर हो गई हैं और दूसरी जगह में अरेबियन सी में जो है ये बढ़ गई हैं, तो इससे क्या होगा इसको समझने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं जो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ था, कहीं ना कहीं जो चीजें एक समान बनी हुई थी वो चेंज होंगी। इसके कारण से हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि जो साइक्लोन का ड्यूरेशन वगैरह है वो कहीं कहीं बढ़ रहा है, कहीं कहीं ऑलरेडी आपको वर्षा वगैरह आ जा रही है। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं आपको क्लाइमेट चेंज से भी रिलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड लेट्स सी, रोड अहेड इज डाउंटिंग, दैट इज व्हाट मनमोहन सिंह जी सेइंग। तो मनमोहन सिंह जी जो कि पार्ट थे 1991 में जो एक रिफॉर्म आया था एलपीजी वाला, उसमें डॉक्टर सिंह जो थे वो फिनेंस मिनिस्टर थे और लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जिन्होंने 1991 का फेमस रिफॉर्म्स जो है जिसके द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया था, इसको लिया था।
मनमोहन सिंह जी इसकी 30वीं वर्षगांठ के ऊपर में बातें कर रहे थे, और उसमें उन्होंने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहाँ पे बताया है। और गाइज आप इनके कुछ कोट्स भी हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो इन्होंने किसी और के कोट्स यूज किए हैं उन कोट्स को आप एग्जाम वगैरह में भी यूज कर सकते हो। तो ये डिजायर कर रहे हैं कि $3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो भारत बहुत जल्द से जल्द बने, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इन सारे ये 30 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 300 मिलियन इंडियंस को गरीबी की दलदल से निकाला गया है। और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट, जॉब भी मिली है उनको, उन सारे लोगों को। और इन सारी चीजों के बीच में आज जो है ये जो COVID-19 का समय है, ये कहीं ना कहीं इंडिया को जो है सोचने पे, विचार करने पे मजबूर कर रहा है कि क्या हम लोगों को किस तरीके से रिजॉइसमेंट नहीं, आगे का रास्ता किस तरीके से बनाना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने जो एक प्रोजेक्शन बना के रखी थी कि इस हिसाब से हमारा ग्रोथ होगा, इस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होगा, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट आप मान लो तो 2 सालों का एक ब्रेक लग गया है। और उस पे फिर आप किस तरीके से अपनी गाड़ी और अच्छे ढंग से चला पाते हो, इसके बारे में ये बातें हैं। दो कोटेशन जिसकी मैं बातें कर रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। पहला कोटेशन है जो मनमोहन सिंह जी ने एज फिनेंस मिनिस्टर 1991 में यूज किया था, वो कहते हैं कि आई एंडेड माई बजट स्पीच बाई कोटिंग विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो ने क्या कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ठीक है, तो धरती पे ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो उस आइडिया को स्टॉप कर दे, रोक दे, आने से मना कर दे, जिसका समय जो है गाइस वो आ चुका है। ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था और इसको कोट भी किया था उस समय के फिनांस मिनिस्टर 1991 में जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और साथ में वो अभी के लिए कहना चाहेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोयम है उसकी एक लाइन है जो कहती है, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, तो मुझे कुछ वादे हैं, कुछ कस्में हैं जो निभाने हैं, और अभी समय नहीं आया है कि मैं रिजॉइस करूं, आराम करूं, सो जाऊं, अभी तो मुझे और कुछ मीलों का सफर तय करना है। तो गाइज ये जो कोर्स हैं, कुछ कुछ कोर्स आप लोगों को हमेशा इस्तेमाल करने चाहिए। जब भी आप मेंस वगैरह के आंसर लिखते हैं, आप अपनी बातें भी जब रखते हैं, ठीक है, वो आपकी पर्सनालिटी में भी ऐड करता है। आज की द हिंदू में इसके अलावा अगर और कुछ था, जो बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह थे उनको मैंने नहीं इंक्लूड किया है, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह आप लोगों को उसके ऊपर में ज़्यादा समय भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे बहुत सारे न्यूज़ थे कि राज्यसभा लोकसभा को चलने नहीं दिया जा रहा है, इसके अलावा एक न्यूज़ ये था गाइज कि कहीं ना कहीं जो पेगासस स्पाईवेयर है, ठीक है, पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर में ये लोग आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, जो भी हमारे इलेक्टेड एमपीज हैं, इन सारी चीजों के साथ में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक नेता दूसरे नेता के ऊपर में जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, याद रखिएगा, आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज होते हैं ना, उनको टोटली इग्नोर कर दिया कीजिए, उनको टोटली इग्नोर कर दीजिए, वो एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं, आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आई विल नॉट डिनाई, फिर आपको जरूर 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 इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए याद रखिए, बेहतर नहीं बेहतरीन बनना है, और इसी विचारधारा के साथ हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, बाय।